अलैकुम नाजरी, मौसम बड़ा ज़बरदस्त अज लंडन। मैं क्या तुम एक वाकया भी सुना दें, नाल मैं वॉक करनी थी, मैं चलो कैमरा मैन भी नाल ही है। वाकया है जनाब कि 20-22 साल पहले मैं इतों गया पाकिस्तान, इतों हैमबर्ग तो टिकट नहीं सी मिल रही हैमबर्ग तो असी म्यूनचन तो टिकट ले, जिन्हें म्यूनक कहते हैं। एक दोस्त भी मिल गए हैमबर्ग के, कहते मैं भी जाना। उत्ते रहायश का इंतजाम मैं किया, असी जनाब दोवें उत्ते पहुँच गए। रात होया है कि जो रात में उत्ते पहुँचे तो उन्होंने जनाब खाना शाना साढ़े लिए तैयार किया, इन्ना दर असी गए सी। जो उन्होंने खाना सानू पेश किया तो एक कहता जा दोस्त सी कि मैं तो आलू कीमा नहीं खा सकता, कोई दोपहर का सालन नहीं पियादा। ओ जनाब उन्होंने कहा दोपहरे चने बने सी, उन्होंने लिया के चने पेश कर। खैर रात असी सो गए, सुबह मैं 7 बजे उठिया तो वाशरूम बिजी सी, वो लहता थले वाशरूम सी। मैं उन्होंने किया कि किन्नी देर पाए, कहता बस मैं निकल लिया। खैर मैं नमाज शमाज पढ़ी, मैं सौ गया। जो मैं 3 घंटे बाद उठिया फिर वाशरूम बिजी, मैं क्या की हुआ, कहते मैं दंद साफ कर रहा। मैं सुबह भी दंद साफ कर रहे थे, हूँ भी दंद साफ कर रहे। खैर नाश्ते की टेबल पर पहुँच गए, जो नाश्ते की टेबल पर पहुँचे तो उत्ते भाई होनी ना, उन्होंने 5-6 आंडे शांडे बनाए थे, फ्राई भी किए थे। तो मैनू कहता मैं तो आंडा खा लवा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाती। इन्होंने पूछो कि रात का सालन नहीं पिया था, मैं उन्होंने कहा भी उन्होंने बच्चा सी, मैं क्या कोई रात का सालन। उन्होंने लिया के आलू कीमा देता, हूँ रात ही चोर सा वेल सी खा रहे, दोपहर का खाना तो सुबह कहते मैं रात का खाना। मैं चलो बाद चो 4-5 आंडे भी खैर ना खा गए। मैनु यह सफर अज तक नहीं भुलिया, मैं तुम दस ना। खैर इत पार्क काफ़ी दुनिया, अज मौसम अच्छा वा, बच्चे बुच्चे खेलते हैं, अपने अपना मजे लै रहे हैं। नाल मैं चलो थोड़ी जी तुम भी गेम गलबात सुना दी गप शप। खैर अल्लाह ताला भला करे, असी उन्हें सारे आंडे शांडे भी खा ले तो चले गए जनाब एयरपोर्ट से। हूँ हाले जहाज बैठे ही है, कहता मेरे तो लागी जी अंदर अग। मैं क्या फिर फायर ब्रिगेड बुलाइए, कहता जी फायर ब्रिगेड ना बुलाओ, जूस दे कोई बंदोबस्त करो मेरे लिए ना। मैं एयर होस्टेस नूं बुलाया, कहती हाले जरा फजा च बुलंद हो लैन दिओ, जूस ही पेश करने। मैं इन्हू क्या कहता नहीं, इन्हू क्या मैं तो फजा च पहुँचना ही नहीं, इन्नी सख्त अग लगी थी, 5-6 आंडे खाधे दे सी जेड़े मेदे च, कदी कदी एक आंडा जाना उत्थे एकदम इन्ना वड्डा हमला हो गया। खैर वो करदे करदे अल्लाह ताला भला करे, उन्हू क्या भी इन्हू दिओ कोई। उन्हें पूछा जी किहड़ा जूस पीना तुसीं, कहता इन्हू पुछो किहड़ा हैगा। उन्हें 5-4 नाम ले एमरेट्स की प्लेन, कहता इन्हू को सारी एक एक लै। उन्हू मैं क्या भी एक दो इन्हू पेश करो, दो जूस पी के कहता अग नीचे बुझी पा जी। मैं गया हम फिर की करिए, कहता इन्हू को होर लिया जूस। मैं क्या थोड़ी देर ठहर जो। अच्छा जनाब उसके बाद असी, मैं बड़ा परेशान, मैं क्या भाई दे नाल सफ़र कर लिया, मेरे तो वड्डे ने उम्र तो ना नाल नहीं लेना चाहिए। अच्छा खैर उन्हें फिर मैं दूसरी एयर होस्टेस नूं बुलाया, उन्हें भी कोई 2-4 जूस दिते। मैं क्या मैं भी पीना, मैं अपने भी देते, मैं कि शायद किस तरह इन्हां दी अग बुझ जाए। अच्छा खैर नाल प्लेन चल पिया, उसके बाद सारे रात डिस्टर्ब, कभी कोई टेंशन नहीं। कैसी एड्डी वड्डी टेंशन बनाती हूँ दसनी अच्छी नहीं लगती। मैं क्या रहन देने, पर्दा पोशी भी होनी चाहिए गलों की। खैर असी चले गए इस्लामाबाद एमरेट्स से। अच्छा वो जो उन्हें प्लेन की लाइट बंद करती, कहते इन को लाइट जलाए, मैं फोटो खिंचनी सी, पुरानी गल है 20-25 साल पुरानी। मैं एयर होस्टेस नूं कहा कि साहब बहादुर ने तस्वीर खिंचानी है तो वो चलाओ अपना लाइट। वो कहती जो लाइट चलावे ना तो खिंच लवे, कहता नहीं मैं तो वो शेव करके आया। तो मैं क्या भाई ने इन्नी जल्दी है शेव नहीं बढ़ती, फिक्र ना करो। अच्छा मैं कह लो जी ये तुहाडे नाल आखिरी सफ़र है, तो बाद मेरा ख्याल है कि असी सफ़र नहीं करांगे। इस्लामाबाद चले गए,
इस्लामाबाद जो गए तो कहते जनाब मैं क्या जाओ ट्राली लभ के लिया उदो कुली जड़े से ट्रालियाँ शरालियाँ मल लेंदे खैर ये गए आए ही नहीं मैं ट्राली शराली उत्तर लभ गई समान समून उत्ते रखिया मैं तुम कितने चल गए थी कहते मैं बहर लभदा रहा ट्रालियाँ मैं क्या शुक्र है आ गए वापस मैं क्या पता नहीं कि मुसीबत बन गई नवी इन्होंने जाना सी शेखूपुरे तो मैं जाना सी रबुए हूँ मसला यह बनया उदों कि वो जरा टैक्सी वाला सी वो किसी नूं असी किया मैं किया था सी वो आ ना सकिया पता नहीं उन्होंने की प्रॉब्लम हुई उत्थे एयरपोर्ट से वेख वूख के उड़ीक के खैर मैं क्या बेहतर है कि इतों टैक्सी लाँगे तो खतरनाक है ड्राइवर बस ले लें असी एक टैक्सी लोकल लई उन्होंने कहा यार सानूं ड्राइवर तक चाह वो ड्राइवर बस से जो असी पहुँचे उतों टिकटा शिकटा ले गया भाई जी कहते जी ये टिकट बड़ी महंगी है मैं भाए ने जर्मनी तो आए जे डोंट वरी मैं पैसे दिते मैं बैठो बस के बैठो तो फिर अगों मैं रबुए की बस ले ली वो जो चनियोट आया तो मैं बस वाले ने कहा मैंने यार इतने तार दे तो साहब बहादुर कहता जी नहीं ये फैसलाबाद जाएगी बस मैं क्या अच्छा मैं नवी टेंशन बन गई खैर फैसलाबाद जाके तो फोन किया अपने ब्रदर लाल नूं वो आ गया रबुए तो जरा रस्ते एक वाकया पेश आया इस सफ़र के दौरान कि एक बंदा मेरे नाल बैठ गया मेरे को पैसे पूसे काफ़ी सारे और उन्हें पता चल जाता बाहरों आए ने असी भी झूठ नहीं बोलते दसिया मैं जर्मनी तो आया वो कभी कहे मैनू जी ए पीओ वो पीओ ये पीओ मैं कोई शायद ना पीवा वो जी बस के बेच नाश्ता भी दिता उन्होंने ड्राइवर च देंदे ने मैं वो भी नहीं किया मैं क्या कोई गेम ही ना पै जाए खैर मैं इतों कोई चीज़ चूज़ रखी दी सी जर्मनी तो नाल वो मैं अपना जनाब खा पी ली बिस्कुट वगैरह रखे दे सी जो मैं फैसलाबाद उतरे बस तो कहता जी वो जरा नाल बैठा सी कहता अपनी जेबा शेबा बचा के रखियो मैं जे तेरे को बच गई ना तो हर थान तो बच गई खैर वो मेरा बरदन ला आ गया मैं वो बह के रबुए चले गया हूँ अगली कहानी यह हुई कि चौधरी साहब गए शेखपुरे फिर आके रबुए जो आए तो मैनू सुना रहे ने कहानी इन्होंने उन्होंने कहा सो जो टैक्सी वाला सी कि मैं जाना वा शेखपुर लाहौर तो ये किन्ने पैसे ने उन्हें कितने मेरे हाल 300 रुपया दसिया उदों इन्हें क्या अगर नहीं इन्ने महंगे 50 रुपये ले लो वो कहता ये दस दे कि उन्हें मैंने गड्डी की चाबी दे दी उन्हें कहा जी तुसी ना उत्थे शेखपुर जाके ना तो उत्थे गड्डी खिलाड़ देना इन्नी वड्डी रकम तुसी दे रहे जो तो बेहतर एक गड्डी लै लो इन्हू चलानी भी नहीं सी आती पर उत्थे मजाक किया ना उन्हें इन्हें मैंने उंजी दसिया रबुए मैनू मिल गए दस दे ठहरे दे सी कहते जिदन ताडे ससुराल वाले ना अपना किता नाम साग पकाण ना तो मैनू जरूर बुला लेना मैं क्या अच्छा भाई बुला लाँगे लो जी वो घर साग सूग पकवाया नाल कढ़ाई गोश कबाब शबाब ये वो चौर साहब आए आके तो खाना शाना खाला तो साग नू हाथ भी नहीं लाया वो कढ़ाई गोश कबाब शबाब खा के ना तो चले गए वो जो साग का ढक्कन चुकया तो वो पता चलिया जी उंज का उंजी उत्तर मक्खन तैरन दे हाथ तक नहीं लगा मैं भी नहीं गौर किया मैं साग ही खा लिया है मैं अपना ध्यान लगा था किसे खैर नाल वो तो जनाब रबुए मुलाकात होती रही उसके बाद जनाब मैं उन्होंने कहा भाए ने यह मेरे हाल ताड़ा साड़ा आखिरी सफ़र है ये बाद असी सफ़र नहीं करांगे कहते जी क्यों मैं क्या जी देखो हर जगह से तुसी ट्रबल पाई पहले तुसी क्या मैं आंडे नहीं खाने फिर तुसी सारे आंडे खा गए फिर अग ला गई फिर कभी कोई मसला कभी कोई मसला लो जी एक 25 साल हो गए ने हुण इस गल नूं ते सफ़र तो दूर की गल मिलते रहते कभी उन्होंने पैदल भी नहीं चले नसीहत यह आई मैं क्या चलो अज भी तुहानूं एक सफ़र की गलबात सुना दिए किसी चंगी लगे तो ठीक है जिन्होंने नहीं लगे वो भी कोशिश करे कि इनू चंगिया समझ के सुन लवे इन्नी मेहनत ने मैं पार्क चाहिए हूँ बनाई है हूँ मैं वॉक से चला जे तो 45 to 50 मिनट डेली वॉक भी करया करो ये भी मैं तुम दसता वा मौसम हम खुल रहा और बाहर बेशुमार दुनिया निकल आई है उसकी वजह वा कि लोग जोड़े अंदर बैठे दे सी करोना की वजह तो भी प्रॉब्लम बनी थी कई मसाइल ने तो जुड़ा जुड़ जो 9 टीवी ना मिलेंगे अगले प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज़।